अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। नया दिन नया व्लॉग, तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। आज मैं करने वाली रूम की सफाई, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है सुबह का, मतलब सुबह नहीं, जो हमारी सुबह होती है 12 बजे का टाइम हो रहा है। पूरा रूम फैला हुआ हो रहा है क्योंकि अभी सफाई नहीं हुई। तो मैं सफाई करती हूँ और आप लोग को भी दिखाती हूँ, और आप लोग मिले जन्नत से। मैं आप लोग को मिलवाती हूँ जन्नत से। ये देखें यहाँ पे ये जन्नत है। जन्नत लेटी हुई, अभी मैंने इसको नहलाया है, तो ये नहला के इसको मैंने लिटाया है। ये देखें, ये यहाँ पे लेटी हुई जन्नत। मैंने कहा सफाई करने से पहले मैं इसको सारा नहला के इसको फ्रेश करके लिटा दूँ, ताकि ये थोड़ा सो जाए। तो मैंने सोचा मैं जन्नत को नहला के सुला दूँ, लेकिन अभी जन्नत का लग रहा है सोने का मूड नहीं है। मैं जब तक सफाई कर लेती हूँ। पूरा रूम फैला हुआ है और आज दिन है संडे का, तो बिल्कुल साफ सुथरी सफाई कर लेते हैं, ताकि फिर इतनी ज़्यादा सफाई ना करनी पड़े आगे दिनों में, क्योंकि आज के दिन सारा ही फ्री होते हैं संडे को, तो संडे को सारा आराम से साफ कर लें। मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कितना रूम फैला हुआ है। देखें, ये जन्नत लेटी पर अभी तक ब्लैंकेट भी नहीं तय किया, और ये जन्नत की अभी मैंने ये रखी है टावल। यहाँ से उठा के इसको टांग लेते हैं, टावल को टांग दिया, और यहाँ पे भी सारे गंदे कपड़े पड़े हुए, ये भी सारे उठाएंगे, और ये भी सारा फैला हुआ है, इसको भी साफ़ करना है। यहाँ पे जन्नत के सारे गंदे कपड़े डालने हैं, और अभी फ्रूट वगैरह लेके आए थे तो वो भी सब यहीं पर रखा हुआ है। और जन्नत का देखें, इसको मैंने सुबह रोटी दी, तो उसने रोटी भी सारा इसमें डाल दी, ये भी सारा साफ करना पड़ेगा। और ये जन्नत की मालिश वालिश का सामान, जो अभी पैम्पर भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल मैं इसको बस नहला के लेटी थी। सारा सफाई कर लेते हैं, सब कुछ उठा लेते हैं। तो सबसे पहले ये नेल कटर उठा लेती हूँ मैं। ड्रेसिंग भी, ये देखें ड्रेसिंग का हाल, तो अभी ड्रेसिंग का हाल देखें। और जन्नत क्या हो गया बेबी, क्या हुआ, क्या हो गया। जन्नत भी रो रही है, तो पहले मैं एक काम कर लेती हूँ, जन्नत की वॉकर साफ कर देती हूँ टिश्यू से। अभी देखें कितनी गंदी हो रही है, तो अभी मैं इसको साफ कर देती हूँ। तो जन्नत की वॉकर ये साफ हो गई, मैं इसको यहाँ पे बिठा देती हूँ। जन्नत जी क्या हुआ, आ जाए, आए आए आए, बिठाऊँ मैं इसको, बिठा देती हूँ क्योंकि ये रो रही है। क्या हुआ, मैंने असल में स्कार्फ लिया हुआ, इसको लग रहा है मैं बाहर जा रही हूँ। शोनी मैं बाहर नहीं जा रही, इसको ऐसा लग रहा है हम बाहर जा रहे हैं। आप वॉकर में बैठने जा रही हैं, इसको वॉकर में बिठा लेते हैं। तो ये देखें, ये जन्नत यहाँ पे वॉकर में बैठ गई है। जन्नत ये वॉकर में थोड़ा ये कि मुझे काम करने दे देगी, तो इसको यहाँ पे बिठाती हूँ और मैं चलती हूँ आगे की तरफ। पहले यहाँ पे आते हैं, ड्रेसिंग जो इतनी गंदी हो रही है, और ये देखें ये रही मैं। तो सबसे पहले ड्रेसिंग साफ़ कर लेते हैं, यहाँ से पूरा क्लीन कर लेते हैं। तो ये देखें, ये ड्रेसिंग क्लीन हो गई, अब इसको साफ़ कर लेते हैं यहाँ से। तो ये देखें ड्रेसिंग क्लीन हो गई है पूरी। असल में कोई ये ना समझे कि मेरे पास मेकअप का सामान नहीं, मेरे पास मेकअप का सामान बहुत है, लेकिन वो अंदर रखा हुआ है, बाहर ये कि थोड़ी बहुत चीज़ें ही रखी हुई हैं। और ये देखें, ये ऑयल रखा हुआ है, तो ये साफ़ हो गया। अब आगे की तरफ चलते हैं, अब यहाँ से सारा सामान उठा लेते हैं जो फैला हुआ है यहाँ पे। तो ये देखें, यहाँ से मैंने ऑयल वगैरह सब कुछ हटा दिया। अब ये गंदे कपड़े जन्नत के उठा लेते हैं, ये सब जन्नत के गंदे कपड़े, इसको डालते हैं टोकरी में। और जन्नत के टॉय वगैरह सब ये देखें एक जगह रखे हुए हैं, तो ये भी जन्नत के इधर ही आ जाएगा। तो ये देखें जन्नत के टॉय जो यहाँ सारे यहाँ पे रख दिए हैं, क्योंकि जन्नत बार बार मांगती है, तो फिर लेने में मुश्किल होती है, इसलिए मैं यहीं बाहर रख देती हूँ। अब जन्नत की वॉकर भी जगह में ले आते हैं, ताकि ये वाली जगह पूरी क्लीन हो जाए। थोड़ा बहुत तो रूम सिमट गया है, तो अब मैं ये फ्रूट वगैरह भी उठा लेती हूँ। फ्रूट वगैरह किचन में लेके जाते हैं, और देखें अखरोट भी यहीं पड़े हुए हैं। जन्नत और जन्नत ये कि शुक्र है मुझे तंग नहीं कर रही। जन्नत ये देखें, आधे से ज़्यादा रूम तो सिमट गया है, ये डब्बा भी फेंकना है। जन्नत की वॉकर भी फुल रेडी हो गई। जन्नत जन्नत तू सेल्फी स्टिक वॉक। ये देखें, ये वाली जगह पूरी साफ़ हो गई है, यहाँ से डब्बा भी मैंने हटा दिया। अब ये मैं इस तरफ आ गई हूँ, अब मैं बेड की सफाई कर लेती हूँ, बेड का चादर वगैरह चेंज कर लेती हूँ। बेड का चादर मैं चेंज नहीं करी, मैं कल करूँगी। आप लोग को मैं रूम टूर करवाऊँगी, तो आप लोग कल मेरा रूम देखिएगा पूरा। ये देखें, ये वाली जगह भी बहुत फैली हुई हो रही है, इसको भी साफ़ कर लेते हैं।
ये जगह भी बिल्कुल साफ हो गई। ये जन्नत की यूज़ की चीज़ें जो मुझे चाहिए होती हैं तो मैं यहीं पे रख देती हूँ सामने। और ये देखिए सारी जन्नत की चीज़ें, अगर आप लोग मुझे बोलेंगे कि जन्नत की चीज़ें दिखाएं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं बच्चों की, तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। एक नए व्लॉग में आप लोग को सब ये मैं दिखाऊंगी क्या क्या बच्चों के लिए ज़रूरी है क्या नहीं। अब मैं जल्दी से ये ना बेड का साफ कर लेती हूँ। ये मैंने ब्लैंकेट वगैरह तो हटा दिया, अब मैं जल्दी से चादर इसकी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखें रूम आधे से ज़्यादा क्लीन हो गया। ये देखें मेरे बैग में बिल्कुल क्लीन हो रहा है, चादर भी मैंने क्लीन कर लिया है और पूरे रूम की सफाई भी हो गई। ये देखें आप लोग बैग में मेरे देख सकते हैं, मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया। और ये जन्नत लेटी हुई है लेकिन अभी थोड़ा बहुत काम रह गया है और मेरी सांस फूलने लग गई है। और यहाँ पे देखें ये स्कूटी खड़ी हुई है, इसको भी बाहर कर लेते हैं। ये कि कभी स्कूटी है हमारे पास तो थोड़े छोटे मोटे काम होते हैं करीब के, कभी आना जाना होता है तो मतलब कि कोई सामान वगैरह लाना होता है तो वो इससे हो जाता है, बहुत आसानी हुई हुई। और जन्नत हंस रही है, मैं आप लोगों को जन्नत भी दिखाती हूँ। जन्नत क्या हो गया शोनी? ये देखें जन्नत को फुल मज़ा आ रहा है, इसको भी सफाई की आदत है, सफाई पसंद है, हमें भी सफाई, सबको सफाई पसंद होती है। ये कि थोड़ा बच्ची है तो बच्ची के साथ गंदगी तो होती रहती है, तो अब ये है कि पूरा साफ़ हो गया है। अब थोड़ा बहुत ही ये जगह भी साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कपड़े पड़े हुए हैं धोने वाले, तो ये भी उठा लेती हूँ मैं। तो यहाँ से सारे कपड़े वपड़े भी हट गए हैं, बस ये यहाँ की झाड़ू रह गई। और ये स्कूटी भी बाहर जाएगी क्योंकि झाड़ू मारने में मुश्किल होगी, तो बस यहाँ से स्कूटी हटानी है और यहाँ से सारी सफाई कर लेनी है। तो रूम की सफाई हो गई है डन। अगर आप लोग मेरे रूम टूर देखना चाहते हैं तो मेरा कल का व्लॉग ज़रूर देखें। तो सफाई रूम की हो गई है, अगर आप लोग मेरा रूम टूर देखना चाहते हैं मेरा कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और मुझे बताइएगा मैं रूम टूर करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और जन्नत ने अब रोना स्टार्ट कर दिया, अपने व्लॉग का एंड करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।